हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। बहुत ही लंबे समय के बाद अपने कॉलेजेस और इवेंट्स की वजह से मैं काफ़ी समय से इनएक्टिव था, और आज मेरे कॉलेज में बहुत लंबे समय बाद मुझे फ्रेशर्स पार्टी मिल रही है। तो मैंने सोचा इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और ये जो सारी यादें हैं इनको अपने कैमरा में कैप्चर किया जाए हमेशा हमेशा के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये है मेरे कॉलेज की मेन एंट्रेंस। ये पटेल नगर कैंपस है और इसके स्टार्टिंग में ही मेरा डिपार्टमेंट है, CNIT डिपार्टमेंट। और आज हमारा जो इवेंट है वो है SBS के ऑडिटोरियम में, है ना? हाँ, अप्लाइड साइंसेज के ऑडिटोरियम में। तो ये हमारा मेन एंट्रेंस है, श्री गुरु रामराय यूनिवर्सिटी। सो ये मेरा डिपार्टमेंट है, स्कूल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसी के नीचे है हमारा ब्रांड न्यू एडमिशन सेल। और जो हमारा आज का इवेंट है वो है इस बिल्डिंग में, ये है SBS डिपार्टमेंट, स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंसेस, इतना ही पता है मुझे। तो इसके जो ऊपर ऑडिटोरियम है यहाँ हमारा इवेंट है। तो गाइस, इधर है SMCS स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स स्टडीज़, इधर की इनकी बिल्डिंग SMCS की है, उधर वो सामने वाली बिल्डिंग हमारी है, और इधर अप्लाइड साइंसेस की बिल्डिंग है। चार फ्लोर हैं, क्या पता ऑन होगी तो क्या पता चल लेंगे ना। तो गाइस, लिफ्ट अभी बंद है तो हमको फोर्थ फ्लोर पे जाना है, वो भी सीढ़ियों से। ये हमारे मैनेजमेंट कमेटी वाले तुषार करूँगे। आ चुके हैं हम फोर्थ फ्लोर पे, और इधर से ऑडिटोरियम की मेन एंट्रेंस है, यहाँ से सजावट स्टार्ट हो चुकी है। और ये हमारे मेन कर्ता धरता डेकोरेशन के। हाँ, और इसी स्टेज पे आज मैंने एंकरिंग करनी है। तो ये हमारे इवेंट की जान है ये दोनों लोग, और इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। और सबसे पहले तो ये इसने मतलब इसने इतने इतने लोगों से मतलब उनके अलग से पैसे निकाले हैं ना, कोई कर भी नहीं रहा था सेकंड ईयर से, और इस भाई ने सबसे पैसे निकलवाए। और मतलब जो सेकंड ईयर का जो जितना भी इंटरेक्शन हो रहा है ना इस इवेंट में, वो सब इसकी वजह से हो रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ बोलना चाहेंगे आप? कुछ बोलना चाहता हूँ, कॉलेज लाइफ एक ही बार जिएंगे, अच्छे से जिएंगे। हाँ, और ये है इनके जोड़ीदार तुषार गुरुंग। बैग तो भाई बहुत है, बैग की टेंशन ही नहीं है, मिल जाएगा। तो गाइस, मेन लोग आ चुके हैं। प्रियांशु दीदी अभी नहीं आई, पैसे मैं दूंगी, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें तो हो चुकी हैं, बस कुछ कुछ चीज़ें बची हुई है। जैसे हमारा डेकोरेशन को तो लगभग लगभग पूरा हो चुका है, और डीजे बचा है, सेल्फी पॉइंट बची है, और ये सारे लोग काम करने पे लगे हुए हैं। मेन लोग आ चुके हैं। नहीं, थैंक यू, बहुत सारा काम है अभी, आप भी काम करने चलो मेरे साथ। डिसिप्लिन टीम वाले, तो गाइस हमारा स्टेज पूरी तरह से सज चुका है, बहुत प्यारा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है ना। हाँ, लिया तो सही, ये मेरे सीनियर्स हैं दोनों के दोनों, ये मेरे क्लासमेट्स हैं। हैं GT नहीं है, 30। तो ये हमारे शायद तो हो जाए। अरे अभी देखना इवेंट की स्टार्टिंग में। तो ये हमारे मेन करता था।
नहीं करेंगे कट भाई, डालूंगा मैं सबको डाल दूंगा। चलना चल मेरा ब्लॉग चलेगा चलेगा, अबे चलना 250 सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब पे पूरे होने वाले हैं, जाके आर्यन सैनी चेक करो। नहीं नहीं दिमेश के ज्यादा फॉलोअर है, वैसे तुमको कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा ना। आकांक्षा हाय बोल दो। गुड मॉर्निंग सी एन आई टी। गुड मॉर्निंग जोशी नहीं है यार। गुड मॉर्निंग सी एन आई टी। तो आप एक्साइटेड हैं? तो मैं हूं पहाड़ी लड़का और निवेश दी कलमकार मेरा नाम है, और आप सभी प्यारे प्यारे लोगों का मैं स्वागत करता हूं सी एन आई टी की ऑफिशियल फ्रेशर्स पार्टी 2023 में। और मुझे तो आज पता चल रहा है हमारे डिपार्टमेंट में इतने प्यारे प्यारे चेहरे भी हैं। तो फिर मैं यहाँ पर अकेले क्यों खड़ा हूँ? एक प्यारा चेहरा मेरे साथ होना भी तो बनता है ना, बनता है कि नहीं? तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मेरी को एंकर मिस प्रियांशी गुप्ता का। तो सुनो,
जिसने देखा नहीं किसी की तरफ। वीडियो अच्छी आ रही है ना। जिसने देखा नहीं किसी की तरफ, मैं लेकर आया उसे आशिकी की तरफ। मांगकर कॉपी में ट्यूशन की, लेकर आया दोस्ती की तरफ। और अरे यार जरा ठहरो, अभी तो सिर्फ बातें हुई हैं, धीरे धीरे आएंगे हम मोहब्बत की तरफ। और किसी के लिए लिखा है कि मेरी पहचान में तुम सबसे हसीन अदाकारा हो, मेरी पहचान में तुम सबसे हसीन अदाकारा हो। मदहोश हो जाता हूँ तुम्हें पल भर देखते ही, और मुझे मालूमात है ये इश्क की गलियां अंधेरों की तरफ जाती हैं, मगर सब कुछ भूल जाता हूँ तुम्हें पल भर देखते ही। तू लहरे चंचल सी में ठहरा हुआ किनारा सखी, तू लहरे चंचल सी में ठहरा हुआ किनारा सखी। तेरे बिना वैसे जैसे चांद बिना अधूरा कोई तारा सखी। और ये आंखें भी तो बहुत सी बातें करती है ना, क्या लाजमी है हर राज को जुबान पर लाना सखी।
बाहों में भरी है जैसे चांदनी।
I want to